आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोलघर चौराहे पर गाड़ी छुड़ाने के लिए कांग्रेस नेत्री व उसके बेटे का ट्रैफिक दरोगा से हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। एसपी ट्रैफिक ने कहा, महिला के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा करवाया गया है पंजीकृत। पुलिस से झगड़ने की किसी को नहीं है परमिशन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने महिला को पहचानने से किया इनकार। पुलिस बल पर पथराव व फायरिंग कर अन्य जनपदों में दहशत पैदा करने वाले दो गौ तस्करों को गुलरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 मोबाइल, 555 रुपए नकद तथा 1 पिकअप किया बरामद। एसपी सिटी व एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में सहज जनसेवा केंद्र संचालकों व वीएलई की बैठक हुई संपन्न। सरकार के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी। कहा, बिना शोषण का शिकार हुए सभी नागरिकों को योजना का मिले लाभ, यही होना चाहिए सबका लक्ष्य। महानगर को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए एसपी सिटी सोनम कुमार ने मीडिया कर्मियों के साथ की गोष्ठी। ट्रैफिक को सुधारने के लिए लिया फीडबैक। कहा, बुधवार से डीडीएमएस ऐप से पुलिस कर्मियों की लगेगी ड्यूटी, जाम से लोगों को मिलेगी निजात। आजादी का रंगोत्सव कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय नाट्य समारोह का सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने किया उद्घाटन। कहा, नाट्य समारोह में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशकों द्वारा निर्देशित नाटकों का होगा मंचीय प्रदर्शन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रभारी एवं अपर प्रभारी अधिकारियों की बैठक। कहा, निर्वाचन कार्य होता है समयबद्ध, संबंधित प्रभारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ करें पूर्ण। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह गोलघर के व्यापारियों से हुई रूबरू। कहा, व्यापारियों से मिले सुझाव पर किया जाएगा विचार। व्यापारियों से किया अनुरोध, दुकानदार भी पार्किंग स्थल पर ही खड़ी करें अपनी गाड़ियां। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई बीडीओ एबीडीओ सहित पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 331 केंद्रों पर कुल 35,353 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 24,794 और सेकंड डोज लेने वालों में 10,559 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, बिना आवश्यकता के घरों से ना निकलें बाहर और करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की बैठक जिला अध्यक्ष रमेश कुमार भारती की अध्यक्षता में हुई संपन्न। पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग।